नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टारलेस जोन में। गाइस, इस वीडियो में हम एक और नई जॉब वैकेंसी के अपडेट के डिस्कस करेंगे जो कि ज़ायदस फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से भर्ती होने वाली है। काफ़ी एक्साइटिंग पदों पे यहाँ पे 2024 और 25 के लिए अलग अलग कैटेगरी के रोल्स पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप में से जो भी कैंडिडेट जो है गाइस एज ए फ्रेशर्स हैं, अगर आप एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो भी ज़ायदस फार्मास्यूटिकल्स में अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही इसमें जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए हायरिंग चल रही हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप ज़ायदस फार्मास्यूटिकल्स में अप्लाई कर सकेंगे। सबसे एक्साइटिंग बात ये है गाइस कि इसमें आपको बेनिफिट काफ़ी एक्साइटिंग मिलने वाले हैं, जैसे कि कैंटीन की सुविधा हो गई, रूम, ट्रांसपोर्ट जैसे बेनिफिट मिल जाएंगे। जो कैंडिडेट दोस्तों डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू के माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं, हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ ही जो कैंडिडेट अदर रोल्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। दोनों का अलग अलग प्रोसेस है दोस्तों, वीडियो में आप प्रॉपर बनी रहेगा। पहले आप सभी डिटेल्स देख लीजिएगा, जैसे कि क्या एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कौन कौन से रोल्स पर वैकेंसीज आउट की गई हैं, साथ ही कौन से लोकेशंस के लिए हायरिंग चल रही हैं। जब आप सभी डिटेल्स बारीकी से देख लीजिएगा उसके बाद आप इस वैकेंसी में आवेदन कीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कर दें। गाइस, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज़ायदस लाइफ साइंस एक काफ़ी बड़ी इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि केरला फार्मालीज नाम से जानी जाती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के दोस्तों ये अपने प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप इनके प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आप और भी डिटेल्स, तो आप वेबसाइट पर अवश्य विजिट कीजिएगा, आपको सभी डिटेल्स जानकारी देखने को दोस्तों मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं एज ए फ्रेशर्स एंड एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे जो है यहाँ पे भर्तियाँ चल रही हैं। अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी अप्लाई कर सकोगे, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो भी इस फार्मा कंपनी में आप अप्लाई कर सकोगे। और गाइज, ये जॉब जो है बिल्कुल निःशुल्क है, आपको भी पैसा वगैरह किसी को भी नहीं पे करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको जॉब ऑफर करता है उसके बदले चार्ज मांगता है, चाहे वो सिक्योरिटी के नाम, फॉर्म के नाम पर हो, किसी भी प्रकार से, तो आप समझ जाइए वो स्कैमर्स है। आपको कभी भी पैसे वगैरह नहीं पे करने हैं। अगर आप किसी भी टाइप से हमारे चैनल के माध्यम से जॉब देखते हैं और उसके माध्यम से आप किसी को पैसा वगैरह पे करते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी फिर आप होंगे। इसलिए पैसा वगैरह आप लोग कभी भी किसी को मत पे करें। क्वालिफिकेशन जो आप सभी की रहने वाली हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 10th पास है। अगर मिनिमम आप 10वीं पास आउट हो तो आप बिल्कुल इस फार्मा कंपनी में अप्लाई कर सकोगे। साथ ही अगर आप इसे अपर लेवल की कोई भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि लाइक दैट 12th पास है, यहाँ पे ITI डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डी फार्मा, बी फार्मा पास आउट हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही आप सभी के जो डाउट्स रहते हैं वो हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकल सेक्टर से पास आउट हैं, जिन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल डी फार्मा कर रखा है या बी फार्मा कर लिया है या और भी कोई भी दोस्तों मेडिकल सेक्टर से डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो तो अप्लाई कर ही सकेंगे। साथ ही जो कैंडिडेट दोस्तों विदाउट नॉन मेडिकल वाले हैं, मतलब कि जिन्होंने मेडिकल सेक्टर से नहीं किया, जैसे कि 10th वाले हो गए, 12th वाले हो गए, साथ ही डिप्लोमा धारक हो गए, लाइक दैट आपने बीए कर लिया है या आपने बीएससी कर लिया है विदाउट मेडिकल से, तो वो भी कैंडिडेट जो है इस फार्मा कंपनी में एलिजिबल रहने वाले हैं। और आप सभी की जो एज रहेगी वो दोस्तों 18-54 ईयर्स रहने वाली है। साथ ही अलग अलग दोस्तों पोस्टों में अलग अलग एज रहेगी, मेल एंड फीमेल जो है लड़के भी आवेदन कर सकेंगे और लड़कियां भी जो आवेदन कर सकेंगे। सैलरी आप सभी को जो ये कंपनी पे कर रही है वो काफ़ी एक्साइटिंग, क्योंकि ये दोस्तों एक फार्मा कंपनी है, साथ ही ये जो है परमानेंट आपकी रोल्स रहेंगे, इसी की वजह से काफ़ी एक्साइटिंग आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर 16,000-56,000 पर मंथ तक एवरेज आपको ये सैलरी कंपनियाँ पे कर रही हैं। साथ ही ये सभी अलग अलग पोस्ट वाइज रहेगा, एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंट वाइज। जो मैं आपको सैलरी शेयर कर रहा हूँ वो एक एक्सपेक्टेड सैलरी है गाइस। साथ ही यहाँ पे जो अदर बेनिफिट हैं वो इस प्रकार से, जैसे कि अटेंडेंस बोनस हो गया, नाइट अलाउंस हो गया, ओवरटाइम हो गया, ये कब मिलता है दोस्तों, जैसे कि आपके महीने में 26 डेज ड्यूटी हैं, आप एक भी छुट्टी वगैरह नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर अटेंडेंस बोनस मिल जाएगा। नाइट अलाउंस जैसे कि नाइट शिफ्ट में है और अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो नाइट अलाउंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। और ओवरटाइम ये दोस्तों हेल्पर हो गया, ऑपरेटर के तौर पर हो गया, असेंबली डिपार्टमेंट में हो गया, लाइनमैन, कई सारे अलग अलग जो है पैकर जैसे डिफरेंट कैटेगरी के रोल्स पे ओवरटाइम बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। और ओवरटाइम का पैसा भी दोस्तों अलग अलग रहेगा। और अदर फैसिलिटी की यहाँ पर हम बात करें तो अदर फैसिलिटी आपको यहाँ पर PF की सुविधाएं हो गई, ESIC, हेल्थ इंश्योरेंस, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट और साथ ही ड्रेस, शूज़ वगैरह भी आपको यहाँ पर कंपनी की ही तरफ से मिलने वाले हैं, तो काफ़ी एक्साइटिंग बेनिफिट है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है आपके पास रिज्यूम कवर लेटर, साथ ही क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी आपने किया हो जाए, और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, साथ ही बैंक पासबुक, फोटो वगैरह, इन सभी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर नीड पड़ेगी, जो भी और भी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर रिलेटेड नीड पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइज आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, आप पहले देख लीजिएगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि आप जितना जल्द यहाँ पे आवेदन कर लेंगे उतना ही जल्द आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो कैंडिडेट का एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा उनका ही दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आफ्टर आपको यहाँ पर जॉब ऑफर की जाएगी। साथ ही कैसे अब आपको इस भर्ती में आवेदन करना है वो आप समझिएगा। आवेदन करने के लिए आप जो वीडियो को देख रहे हैं आप इसका ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, लिंक मैंने मेंशन कर दी है, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा। और कैसे आपको आवेदन करना है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको फुल वीडियो डिटेल से देखनी है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। गाइस आप इस तरीके से इनके ऑफिशियल करियर पोर्टल पर विजिट कर जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च ऑप्शन दिखा जाएगा, डिवीजन का दिखेगा, लोकेशन का, एक्सपीरियंस का, इस तरीके से आपको ये दिख जाएंगे। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो करंट ओपनिंग दिखेंगे, तो मैं आपको जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे फ्रेशर्स सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले हैं वो एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे लोकेशन
टाइटल्स दिए गए हैं। डिवीजन आप जिस भी डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप डिवीजन भी सिलेक्ट कर सकेंगे, यहाँ पे टाइटल्स दिया गया है। चलिए ये हो गया दोस्तों कैटेगरी के बारे में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी के रोल्स पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। आप अपने इंटरेस्ट वाइज अप्लाई करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से रोल्स पर भर्ती हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद की लोकेशन पर, गुजरात की लोकेशन पर भर भर के जो वैकेंसीज अवेलेबल होने वाली हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। गोवा की भी लोकेशन पर हैं और एक पेज में आपको 10 पोस्ट दिखेंगी। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो और भी कई सारे अलग अलग लोकेशन की वैकेंसी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस में वैकेंसीज हो गई, जैसे कि ओपनिंग इन क्वालिटी कंट्रोल की हो गई, ग्लोबल सपोर्ट सर्विस की हो गई, यहाँ पे एचवैक ऑपरेटर्स की हो गई, वेल्डेशन ऑपरेटर्स की हो गई, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। ये दोस्तों डायरेक्ट इंटरव्यू वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करके डायरेक्ट इंटरव्यू देने चाहते हैं तुरंत, तो वो यहाँ से अप्लाई कीजिएगा। ये दोनों इंटरव्यू भी चल रहे हैं। जैसे कि एक दोस्तों ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल की माइक्रोबायोलॉजिस्ट में, 28 सितंबर से स्टार्ट हैं। और यहाँ पे ये ऊपर वाला थोड़ा है, ये बेंगलोर की लोकेशन पर है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं ताकि आप उसके बारे में देख सकें। दोस्तों ये डायरेक्ट इंटरव्यू का है ऑप्शंस, यहां पे आपके इंटरव्यू चलेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों जॉब पोस्टेड 24 सितंबर को की गई है। आप पहले यहां से अप्लाई कीजिएगा और एड्रेस वगैरह यहां पे सभी डिटेल्स दी गई है कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकेंगे। यहां पे इंटरव्यू का एड्रेस दिया गया है R&D डिपार्टमेंट अहमदाबाद में, ये लोकेशन पर दोस्तों आपके इंटरव्यू चलेंगे। 29th को आपके इंटरव्यू होंगे, अभी आपको समय भी है संडे के दिन, टाइम आपका 8 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। पहले आप यहाँ से आवेदन कर लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट अवश्य लेकर जाइएगा। यह है जो मैंने आपको बताया, ये सेम प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू का। अब आप देख सकेंगे यहाँ पर टेक्निकल की हो गई, सीनियर एग्जीक्यूटिव की हो गई, प्लांट ऑपरेटर की हो गई, इंजेक्टेबल मशीन्स की, R&D डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट की। तो मैं आप सभी को पोस्ट में अप्लाई करके बता देता हूँ। सिंपल स्टेप तरीके से आप सभी कैटेगरी के पोस्टों में अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्विज का नाम लिखा रहेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकोगे और यहाँ से शेयर कर सकोगे। यहाँ पर आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, आपका डिपार्टमेंट क्या रहेगा, आपकी लोकेशन क्या रहेगी, क्या आपकी प्रोफाइल्स रहेगी, ये सभी जानकारी दी गई है। आप इसको अवश्य रीड आउट कर लीजिएगा, जब आप एलिजिबल हो तभी आप जो है अप्लाई कीजिएगा। तो इसी तरीके से आप इन सभी अलग अलग कैटेगरी के रोल्स पर अप्लाई कर सकेंगे। कुछ भी अगर आपको दोस्तों डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और ऐसे और भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स में इंटरेस्ट रखते हैं उसके वीडियो सबसे पहले आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबको अवश्य सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। मिलते हैं लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।